हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी मैथ। और नाइन्थ के एनसीईआरटी मैथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। अब बेसिकली इस प्रॉपर लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले 1.5 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो जो बातें हमको इस चैप्टर को करने से पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए, उन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस होने वाले, तो वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा होगा। अगर इस वीडियो को प्रॉपर देखते हो, पूरा देखते हो, तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी और बाकी जितने भी रेफरेंसेस बुक है तुम्हारे पास, उन सारे के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पावर्स यानी कि घात के बारे में, यही पढ़ना है हमको। पावर्स होता क्या है, पावर्स का मतलब क्या होता है। यहां पर अगर हम पावर्स की बात करें तो सपोज हमारे पास यदि ठीक है ए कोई वास्तविक संख्या है ठीक है, और एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम पावर्स को किस रूप में यहां पर परिभाषित करते हैं। ए टू दी पावर एन, इसको पढ़ेंगे ए टू दी पावर एन बराबर ए इंटू ए और ये चला जाएगा एन टाइम्स तक, एन बार तक, कितने बार तक, एन बार तक, यही होता है पावर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास सपोज 3 पर पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 × 3 और इसको बोलेंगे 9। अगर हम लिखते हैं 4 पर पावर 4 तो इसका मतलब है 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64 और 64 × 2 = 256। तो बेसिकली ये होता है पावर का मतलब। अब समझो बात को, यहां हमने लिखा ए टू दी पावर एन, हमने क्या लिखा ए टू दी पावर एन, यहां पर ये थोड़ा सा बड़ा लिख ले हम, ए टू दी पावर एन लिखा हमने, तो यहां पर ये जो ए है इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलेंगे इसको, आधार बोलते हैं, और ये जो n है n को बोलते हैं हम लोग घातांक, क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेस, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है पावर, इस पूरे के पूरे सिस्टम को पावर यानी कि घात बोलते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है ना इसको घात या पावर बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आ गया, ये जो एन है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, ये जो ए है इसको आधार बोलेंगे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, पावर यानी कि घात कहलाता है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि यदि ए टू दी पावर एन है तो ए को एन बार तक गुना करेंगे, 3 पर पावर 2 है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 पर पावर 4 है इसका मतलब 4 बार 4 को गुना करना है। एक बात और समझना है यहां पर, एक बात और समझना है, सेम यही बात रहेगा, यदि ए कोई अशून्य अशून्य वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, अब देखो अशून्य वास्तविक संख्या होने का मतलब क्या है कि वह 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है बट वह 0 नहीं होगा। तो यदि ए कोई अशून्य वास्तविक संख्या हो तो अगर हम लिखे ए टू दी पावर 0 तो इसका वैल्यू आता है हमारा 1। अब इसका भी रीजन है, ए टू दी पावर यदि 0 है तो 1 क्यों आता है, क्योंकि देखो यहां पर सिंपल सी बात है ना, 2 पर पावर 2 लिख रहे हैं हम, फिर नीचे इसके 2 पर पावर 2 है, जब भाग में होता है ना और बेस समान होता है, इसको हम आगे देखेंगे, जब भाग में होता है और बेस समान होता है तो पावर यहां पर घटता है, जो पावर बोल रहे एक्सपोनेंट यहां पर क्या होता है, घटता है। तो यहां पर एक्सपोनेंट हमारा क्या है, 2 - 2, ये हमारा एक्सपोनेंट 2 ऊपर 2 नीचे, ये हो गया 2 पर पावर 0। और इसको अगर हम सोल्व करें 2 × 2 ऊपर और 2 × 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 1, तो कहने का मतलब 2 पर पावर 0 बराबर कितना आ रहा है, 1। इसी तरह से ए पर पावर 0 या किसी भी संख्या पर, कोई भी वास्तविक संख्या है अगर उस पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखते हैं 3/5 और इस पर हम पावर 0 लगाए तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम लिखे 6/7 और इस पर पावर 0 लगाए तो कितना होगा,
एक आ जाएगा। अगर हम लिखे रूट थ्री और इस पर भी पावर अगर हम जीरो लगा दे तो इसका भी मतलब आंसर कितना होगा, एक, क्योंकि देखो वास्तविक संख्या की बात हो रहा है ना, वास्तविक संख्या में तो रूट तीन भी आता है, तो रूट तीन के लिए भी ये रूल क्या होगा, अप्लाई होगा, लगेगा। तो हमने समझा कि अगर तीन पर पावर, तीन पर एक्सपोनेंट, तीन तीन का अगर घातांक दो है तो इसको तीन गुने तीन लिखेंगे, चार का घातांक यदि चार है तो इसको चार गुने चार गुने चार गुने चार लिखेंगे। वहीं पर किसी भी संख्या पर यदि पावर जीरो जाता है तो उसका मान हमेशा एक होता है। तो दो बातें हमने यहाँ पर समझा, दोनों बातें क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ऋणात्मक घात क्या होता है, ऋणात्मक घातांक क्या होता है, और ऋणात्मक घातांक जब लिखा होता है तो उसका हम क्या मतलब निकालें। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, यदि एक कोई अशून्य वास्तविक संख्या है और एन कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इस हिसाब से अगर हमारे पास लिखा है ए टू दी पावर माइनस एन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वन बट्टे ए टू दी पावर एन, वन बट्टे ए टू दी पावर एन। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका भी तो रीजन हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ए टू दी पावर माइनस एन लिखा है, इसका मतलब वन बट्टे एन क्यों लिखेंगे। आ जाओ हम इसके बारे में चर्चा करें। देखो यहां पर हमारे पास सपोज ए टू दी पावर हमारे पास कितना आ रहा है, ए टू दी पावर यहां पर हमारे पास आ रहा है यहां से एन, और यहां पर हमारे पास ए टू दी पावर है जीरो, ठीक है, ए टू दी पावर कितना है यहां पर जीरो। तो यहां पर देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो सपोज अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है ए टू दी पावर जीरो और बट्टे में ए टू दी पावर एन। हमको पता क्या है, हमको पता ये है कि यहां पर अगर भाग में है, आधार समान है और भाग में है, तो घातांक क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर ए टू दी पावर जीरो और माइनस में यहां पर एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एन। बेसिकली ए टू दी जीरो का मान कितना होता है, ए टू दी जीरो का मान वन होता है और ए एन का ए एन होता है, और यहां पर हमने बताया ये ए एन हो गया ए पर पावर माइनस एन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए पर पावर माइनस एन का मतलब होता है वन बट्टे ए टू दी पावर एन। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण हमारा कैसा आने वाला है, जरा समझना, इसको समझना जरा गौर से। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं दो पर पावर माइनस एक है तो ये हो जाएगा हमारा एक बट्टे दो, क्लियर है बात। अगर हमारे पास देखो तीन पर पावर माइनस तीन है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक बट्टे तीन पर पावर तीन हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलो आगे देखें। अगर सपोज हमारे पास दो बट्टा तीन है और इस पर पावर माइनस का दो है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली होगा ये कि वन बट्टे, अब इस पूरे को ए मानेंगे तो यही तो बट्टा में जाएगा ना, ये पूरा जो भिन्न है यही हमारा ए बन जाएगा, मतलब पूरे बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दो बट्टे में तीन, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक और भागे हो जाएगा दो बट्टा तीन, मतलब एक गुने तीन बट्टा दो, मतलब ये हो जाएगा हमारा तीन बट्टा दो। तो यहां पर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एक निष्कर्ष ये भी निकल के आ रहा है, अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास दिया है जैसे दो बट्टा पांच है और यहां पर पावर माइनस में है, तो सिंपली करना क्या है कि ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ फर्क इतना है कि ये हो जाएगा, ये भिन्न उलट जाएगा, पांच बट्टे दो और ये प्लस का एक हो जाएगा, क्लियर है बात। अगर हमारे पास सपोज यहां पर देखो तीन बट्टा चार है और यहां पर हम यहां पर माइनस तीन कर दे रहे, अब होगा क्या, ये प्लस में हो जाएगा, सिर्फ ये अगर पलट जाए तो यहाँ पे ये चार बट्टा तीन हो जाएगा और यहां पर ये जो माइनस है ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस। तो यहां पर आई होप तुमको समझ में आया होगा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया रहे तो हमको क्या करना है, सपोज तीन पर पावर माइनस दो दिया है तो क्या लिखेंगे, एक बट्टे तीन पर पावर दो, और इसको पूरा अगर सॉल्व करते तो एक बट्टे तीन गुने तीन बराबर एक बट्टे नौ, यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, सपोज हमारे पास अगर आ जाए दो पर पावर चार, माइनस का चार, तो यहां पर होगा एक बट्टे में दो पर पावर चार, इसको पूरा सॉल्व करेंगे दो गुने दो गुने दो गुने दो, ये हो जाएगा हमारे पास एक बट्टे दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह।
तो इस प्रकार से तुमको ऋणात्मक घातांक का मतलब समझ में आ जाता है। ऋणात्मक घातांक क्या होता है ये तुम्हारे दिमाग में बेहतर तरीका से ये बात समझ में आ जाता है। तो अभी तक हमने दो तीन बात देखा है। पहला, अगर हमारे पास a टू दी पावर n है तो इसको लिखते हैं a इंटू ए n, n बार लिखते हैं। जैसे कि अगर 2 पर पावर 3 है तो इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2। दूसरी बात हमने क्या देखा है, अगर सपोज हमारे पास a टू दी पावर 0 है तो इसको 1 के बराबर लिखते हैं। 3 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 2/3 टू दी पावर 0 ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तीसरी बात जो हमने देखा है, अगर हमारे पास है 3 पर पावर माइनस 1 तो ये होता है 1/3। अगर हमारे पास और भी ले लेते हैं, हमारे पास अगर है 2/3 पर पावर माइनस 2 इसको लिखते हैं 2/3 पर पावर 2। ठीक है, इसको बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इतनी बातें हम समझ चुके हैं। अब आओ आगे देखते हैं आगे कौन सी बातें हैं, क्या और हमको इस चैप्टर में जानना है। तो फाइनली हम यहां पर देखने वाले हैं, अब हमने घात के बारे में देख लिया है, हमने ऋणात्मक घात के बारे में देख लिया है, हमने जाना है कि अगर किसी भी संख्या पर अगर पावर शून्य होता है तो उसका मतलब क्या होता है। अब हमको घात के कुछ नियमों यानी घातांक के कुछ नियमों को यहाँ पर देखना है और जरा बात करें। तो यहाँ पर हमने फिर से कहा है कि एक कोई बच, चूंकि हम ये जो घातांक के नियम की बात कर रहे हैं ना, ये किस नियम की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे वास्तविक संख्याओं पर लगने वाले, और वास्तविक संख्याओं में जितना नंबर अभी तक हमने पढ़ा है सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये सारे रूल वास्तविक संख्याओं पर लगने वाले हैं। तो अगर ये कोई वास्तविक अशून्य संख्या है, फिर से आया अशून्य संख्या का मतलब क्या होता है, अशून्य संख्या का मतलब होता है जीरो को छोड़कर के कोई भी संख्या। तो अगर ये कोई वास्तविक संख्या है और एम एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब समझ लो कि प्राकृत संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या समझ लो। ठीक है, तो हम पहला जो रूल लिखेंगे उसको देखो, अगर a टू दी पावर m और गुना में है a टू दी पावर n तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, ये पहला रूल है। यहां पर देखो रूल में है क्या, यहां पर क्या है कि आधार समान है, आधार यहां भी a है, आधार यहां भी a है। तो इस स्थिति में होता क्या है, जो भी घात है ना, पावर है, घातांक है, वो क्या होता है, जुट जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखिए, हम लिखते हैं 2/3 और गुने में 2/5, तो यहां पर होगा क्या, 2/3 और प्लस 5 ये हो जाएगा 2/8। ठीक है जी, उदाहरण एक। उदाहरण दो देखिए, सपोज यहां पर 2/3/5 ले रहे हैं, ठीक है, और गुने में 2/3/4 ले रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेस तो समान है, बेस यहां भी 2/3 है, बेस यहां भी 2/3 है, इस वजह से होगा क्या, 2/3 और यहां पर क्या होगा, ये 5 है और ये 4 है, ये जुट जाएगा तुम्हारा 5+4, मतलब हो जाएगा 2/3/9। बाकी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए तो, 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3 कितना बार लिखेंगे, 9 बार लिख करके, और फिर इसको 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32 इस प्रकार से गुना करके हमको लिख देना है। क्लियर है, चलो जी ये हो गया। बट इसको अगर हमको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, आओ जरा इसके बारे में बात करें। तो प्रूफ देख लेते हैं, इसका बिल्कुल आसान है। देखो हमने कहा a टू दी पावर m है और इंटू a टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, इसका मतलब हमने पहले बताया है, a टू दी पावर m का मतलब है a इंटू a और ये लिखेंगे m बार, ठीक है, इंटू में लिखेंगे फिर से a इंटू a, ये लिखेंगे n बार। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। फिर से देखिए, अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n तो गौर से देखना ये कितना बार आ जाएगा, ये m बार आ रहा है और n बार आ रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कितना बार आएगा a इंटू a और ये आ जाएगा तुम्हारा m प्लस n बार। ठीक है, n टाइम्स ये क्या होगा, रिपीट होगा, इसका मतलब a इंटू n बराबर, अब चूंकि a इंटू a m प्लस n बार आ रहा है, अगर हमारा a इंटू a अगर ये n बार आ रहा है
तो इसको लिखते हैं ए टू दी पावर एन। अगर ए इंटू ए इंटू ए अगर एम प्लस एन बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे एम प्लस एन। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप सिंपल सा। इसका उदाहरण भी देखो ना, इसका उदाहरण भी देखो, ऐसे तो देख चुके हैं। सपोज दो पर पावर तीन है गुने में दो पर पावर चार है, ये लिखा हमने, दो पर पावर तीन है दो पर पावर चार है। तो दो पर पावर तीन का मतलब क्या होता है, दो गुने दो होता है, ठीक है। और दो पर पावर चार का मतलब दो गुने दो गुने दो गुने दो चार बार। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दो पर पावर तीन है और दो पर पावर चार है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे दो पर पावर तीन प्लस चार। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो दो पर पावर यहाँ पर दो तीन दो यहाँ पर चार दो, चार और तीन कितना होगा सात दो, मतलब ये कुल मिला के दो पर पावर सात आ रहा है। ये हो गया दो पर पावर सात बराबर में दो पर पावर सात, बिल्कुल यही पर यही बात सेम बात हम यहाँ पर बताए, ठीक है जी। आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास घातांक का दूसरा नियम है। आओ जरा देखिए घातांक का दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। जो घातांक का दूसरा नियम है वो कहता है अगर हमारे पास एक कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या पकड़ लो, सारे के सारे वास्तविक संख्याओं पर ये जो नियम बता रहे हैं ये लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ए टू दी पावर एम है, फिर ए टू दी पावर एन है, तो ये हो जाता है ए टू दी पावर एम माइनस एन, ए टू दी पावर हो जाता है एम माइनस एन। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं, देन चलेंगे इसके प्रूफ की ओर। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने लिखा कि तीन पर पावर पांच और नीचे में तीन पर पावर दो, देखो आधार समान है तो हमने आधार समान रखा है, और ये जो हम बता रहे हैं अधिकतर जगहों पर आधार समान वाले रूल ही बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर भाग में है आधार समान है तो पावर यहाँ पर क्या होता है घटता है, पांच माइनस दो तो यहाँ पर होगा तीन, पांच में से दो घटा देंगे तीन, और ये इसका उत्तर कितना होगा सत्ताईस, तीन तीन नौ नौ तीन सत्ताईस, इजी है। सपोज सपोज यहाँ पर हमारे पास पांच बट्टा सात है, पांच बट्टा सात है, पांच सात नहीं लेंगे, पांच बट्टा पांच है, यहाँ पर पावर हमारा आठ आ रहा है, यहाँ पर पावर हमारा पांच आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा। हमने कहा यहाँ पर आधार समान है पांच है और घातांक क्या हमारा अलग अलग है, इस स्थिति में होगा क्या, पांच का पांच पावर घटेगा आठ, आठ में से अगर पांच घटाएंगे कितना होगा पांच पर पावर तीन, और हमको पता है पांच पर पावर तीन का मतलब होता है पांच गुने पांच और गुने में पांच, पच्चे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। और भी उदाहरण पकड़े, चलो ये उदाहरण एक, उदाहरण दो, उदाहरण यहाँ तीन आ गया। सपोज हमारे पास तीन बट्टे दो है, तीन बट्टे तीन ही पकड़ेंगे ना बबुआ, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर दो है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फिर से आधार समान है, तीन पर पावर यहाँ पर कितना है तीन, और ये नीचे में है दो तो दो यहाँ पर कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पर तीन दो, तीन में से दो घटाएंगे एक, मतलब ये हमारा उत्तर आ जाएगा तीन। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसका जो प्रूफ होता है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन और a टू दी पावर m माइनस n, यहां पर गौर से देखना, यहां पर गौर से देखना क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। यहां पर तीन संभावनाएं हो सकती है, कौन कौन सी देखो जरा, एक तो हो सकता है दो पर पावर तीन और दो पर पावर दो, अगर इसको m माना जाए और इसको n माना जाए तो यहां m क्या है बड़ा है n से। दूसरा संभावना हो सकता है दो पर पावर दो और दो पर पावर दो, तो यहां पर क्या है कि m बराबर है n, अगर इसको m माने इसको n माने तो m बराबर है n, क्लियर है बात। तीसरी संभावना हमारे पास क्या आएगा कि दो पर पावर यहां पर दो आ जाएगा और दो पर पावर तीन, अगर इसको m माने इसको n माने तो यहां पर m इज लेस देन n होगा। तो हमारे पास इस वाले है ना, इस वाले नियम के लिए तीन केस हो सकते हैं संभव, तो तीनों केसों के बारे में बारी बारी से हमको देखना पड़ेगा। आओ देखिए जरा, तो इस नियम के लिए, इस नियम के लिए तीन स्थिति स्थिति संभव है। तो इसमें से पहला स्थिति होगा m इज ग्रेटर देन n, दूसरा
एम बराबर में एन और तीसरा एम इज लेस देन एन। आ जाओ जी बात करें स्थिति एक के बारे में, जब होगा एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, साबित क्या करना है हमको, ए टू दी पावर एम बट्टे ए टू दी पावर एन बराबर ए टू दी पावर एम माइनस एन। तो हमारे पास दिया है ए टू दी पावर एम बट्टे ए टू दी पावर एन, इसके बराबर में इसका मतलब क्या है, हमको पता है अगर किसी भी संख्या पर यदि है ना घात है, घातांक है, पावर है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे ए टू दी पावर एम है, इसका मतलब है ए गुने ए गुने ए, और ये कितना बार लिखेंगे, एम बार लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहां पर नीचे है ए टू दी पावर एन, इसका मतलब ए इंटू ए इंटू ए, ये लिखेंगे कितना बार, एन बार। ठीक है, कितना बार लिखेंगे, एन बार। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अगर हमारे पास ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन लिखे, तो गौर से देखना यहां पर एम जो है ना बड़ा है, एन छोटा है। ठीक है, ये इसी तरह से होगा, जैसे यहां पर दो पर पावर हम पांच लिख रहे हैं, यहां पर दो पर पावर तीन लिख रहे हैं। तो दो पर दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो पांच हो गया, फिर दो गुने दो गुने दो यहां पर कितना हो गया, तीन हो गया। अब गौर से देखना, अगर तीन दो से तीन दो कैंसिल हो जाएगा, क्या भाई साहब, हाँ तीन दो से तीन दो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, सारा खत्म हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, पांच में से तीन घटा रहे, मतलब हमारे पास बच क्या रहा है, टू टू दी पावर फाइव माइनस थ्री, क्योंकि ये हमारा एम है ये एन है ना, तो मतलब हमारे पास नीचे में तो कुछ बचेगा नहीं, सारा खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा हमारे पास m माइनस एन, क्या बच जाएगा, m माइनस एम, जहां पर ऊपर वाला m नीचे वाला n। तो बेसिकली हमने कहा नीचे वाला तो ये सारा का सारा खत्म हो गया बाबू, ऊपर में क्या बच रहा है हमारा, a इंटू a इंटू a, और ये बच रहा है m माइनस एन बार। ठीक है, m माइनस एन बार, फिर से तुमको याद दिला दे, अगर हम लिखते हैं a इंटू a और इसको हम n बार अगर रिपीट कर दे, तो इसको लिखते हैं a टू दी पावर n, इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है a इंटू a, अगर m माइनस n बार लिखा गया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा रूप। चलो यहाँ पर ये पहला भाग साबित हुआ है m इज ग्रेटर देन n, दूसरा लेते हैं जब m बराबर हो n के, इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। आओ जरा, तो दूसरा भाग क्या हमारा, जब है ना दूसरा लेंगे ना केस दो, जब m बराबर हो n के, तो सिंपली हमारे पास है क्या a टू दी पावर m और a टू दी पावर n है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर m और बट्टे में a टू दी पावर m। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि जब m बराबर n हो तो m के जगह पर n के जगह पर क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं, या m के जगह पर क्या कर सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m इन बट्टे में a टू दी पावर m हम लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये a इंटू a इंटू a इंटू a कितना बार होगा, ये m बार होगा, बट्टे में a इंटू a इंटू a ये भी कितना बार, m बार होगा। बेसिकली अब इसको लेकर के चलेंगे a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर में, जो गौर से देखना अगर दो गुने दो गुने दो और नीचे में हो दो गुने दो गुने दो, तीन बार दो गुने दो गुने दो ऊपर में, तीन बार दो गुने दो गुने दो नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा बाबुआ, ये एक हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा हमारे पास एक। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ, तो एक बच गया, आगे कैसे करें, चलो जी यहाँ पर है हमारे पास a टू दी पावर m और बट्टे a टू दी पावर n बराबर में, यहाँ पर देखो कितना बच रहा है, एक बच रहा है, और एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं a टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं ना, क्या किसी भी संख्या पर अगर पावर जीरो होता है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, इसका मतलब a टू दी पावर जीरो हम लिख सकते हैं एक के बदले में। अच्छा एक बात और बताना, इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n बराबर में a टू दी पावर m माइनस m, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि m में से m घटा देंगे तो आएगा तो जीरो ही हमारा,
जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जीरो, तो एम ओ माइनस एम सा लिख सकते हैं। बट्टे में ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन बराबर में यहां पर हो जाएगा ए टू दी पावर एम माइनस एन। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं कि एम है बराबर एन के, एम बराबर एन है, इसका मतलब एम के जगह पर एन और एन के जगह पर एम रख सकते हैं। एम के जगह पर एम को छोड़ा हमने, एम के जगह पर दूसरा वाला एन हमने चिपका दिया और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलो दो केस हमने साबित किया है। तीसरा केस हमारा है एम इज लेस देन एम, एम इज लेस देन एन। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, साबित होगा, प्रूफ देखो। तो हमारे पास गिवेन क्या है, हमारे पास गिवेन है ए टू दी पावर एम बट्टे ए टू दी पावर एन। तो हमको पता क्या है, ए टू दी पावर एम मतलब क्या, ए इंटू ए इंटू ए, ये कितना बार लिखेंगे, एम बार लिखेंगे, और बट्टे में हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए, ये हो जाएगा एन बार। हमने कहा यहां पर एम जो है वो छोटा है और एन हमारा बड़ा है। अब एक उदाहरण से समझो बात को, दो गुने दो है, गुने दो है, और नीचे हम लिखते हैं दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो। अब होगा क्या, इस दो से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो दो पर पावर ये तीन है ना, दो पर पावर तीन और ये दो पर पावर पांच है, ये तीन तो ऊपर से खत्म हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म है, क्योंकि एम छोटा है, एम छोटा है, ये एम है, तो एम छोटा है मतलब ऊपर वाला हमारा गया काम से। और नीचे बचा क्या हमारा, देखना जरा, नीचे बच गया हमारे पास क्या बचा, नीचे बताओ जरा, इस नीचे में बच रहा है, गौर से देखना, एक बट्टे कितना बच रहा है, दो पर पावर दो। और देखो एक बट्टे दो पर पावर दो कहां से आ रहा है, ये आ रहा है दो पर पावर पांच माइनस दो से, कहां से आ रहा है, एम माइनस, ये बोलो एन माइनस एम ना, ये एन है और ये एम है हमारा, ये आ रहा है हमारा पांच माइनस दो, पांच माइनस तीन ना, पांच माइनस किधर गया भाई साहब, पांच माइनस तीन से आ रहा, तो पांच ऊपर में क्या, पांच क्या हमारा, पांच एन है और तीन हमारा एम है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एन माइनस एम। ठीक है जी, समझो बात को, आगे आ जाओ। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम बट्टे ए टू दी पावर एन बराबर में ये हो जाएगा वन बट्टे ए इंटू ए इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस एम बार, कितना बार होगा, एन माइनस एम बार। आगे देखे, ये होगा ए टू दी पावर एम, ये होगा ए टू दी पावर एन, और ये हो जाएगा वन बट्टे ए टू दी पावर एन एन माइनस एम बार। ठीक है, तो ये ए टू दी पावर एन माइनस एम यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो क्या होगा, जरा देखो, ये होगा ए टू दी पावर एम बट्टे ए टू दी पावर एन, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ए टू दी पावर माइनस, ये होगा एम माइनस एन। ठीक है जी, चलो जी, हमको पता है कि अगर पावर माइनस में हो तो क्या होता है, समझो जरा, पावर माइनस में हो तो क्या होता है बबुआ, जरा बताना हमको, ये हो जाएगा वन बट्टे वन और नीचे में हो जाएगा ए टू दी पावर एम माइनस एन। अब सिंपली इसको तोड़ेंगे ना तो ये क्या आएगा, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ये आ गया तुम्हारा ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन बराबर ए टू दी पावर एम माइनस एन। तो ये तीनों केस तुमको यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे घातांक के तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा नियम क्या कह रहा है, और जरा समझे, और उस पर कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा जो नियम है, यदि फिर से वही है, ये जो है नियम जो बता रहे हैं, ये वास्तविक संख्या पर लागू होगा, तो जितने भी वास्तविक संख्या है सारे के सारे नंबर पर ये घातांक लागू होगा। ठीक है, घातांक का नियम। अब ये जो रूल क्या कहता है हमारा, अगर सपोज हमारे पास ए है, ए टू दी पावर यहाँ पर एम है, फिर ए टू दी पावर एन है, इसका मतलब होता है ए टू दी पावर एम एन, या ए टू दी पावर एन इंटू एम, इसका मतलब और इसका मतलब, बस ये बीच वाला निकल के आता है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, एम एन का लिखने का मतलब क्या है कि एम और गुने में एन। अब इसका मतलब समझो, सपोज हमारे पास है दो पर पावर तीन और इस पर पावर दो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो पर पावर तीन और गुने में दो, तो दो पर पावर कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास है दो पर पावर दो, मत लो यार कोई दूसरा ले लो,
तीन पर पावर चार और यहां पर ले लेते हैं दो, इसका मतलब होगा तीन और ये m है ये n है, दोनों गुना होगा तो चार गुने दो मतलब तीन पर पावर ये हो जाएगा आठ। क्लियर है बात। चलो एक फ्रैक्शन यानी परिमेय संख्या ले लेते हैं भिन्न वाला। सपोज दो बट्टे तीन पर पावर यहां पर दो है और इस पर पावर हमारे पास यहां पर तीन है, तो इसका मतलब होगा दो बट्टे तीन पर पावर दो गुने तीन मतलब दो बट्टा तीन पर पावर हो जाएगा हमारा छह। क्लियर है बात। यहां पर समझने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जहां तक बात है इसके प्रूफ की, तो प्रूफ के बारे में बात कर ले। बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, कैसे साबित कर सकते हैं। तो हमारे पास है ए टू दी पावर एम और यहां पर है एन। देखो गौर से देखना, ए टू दी पावर एम इंटू एन का मतलब क्या है कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम, इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, एन बार लिखेंगे, एन बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो सही ना। चलो इसको आगे समझने के लिए उससे पहले हम कुछ बात और करते हैं। सपोज हमारे पास अगर हमारे पास दो गुने, देखो दो पर पावर दो गुने दो पर पावर दो गुने दो पर पावर दो लिखा हुआ है, तो इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? इसको दो दो प्लस दो प्लस दो ऐसे सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, दो पर पावर तीन बार जोड़ रहे हैं तो यहां पर दो और गुना में क्या कर देंगे तीन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एम इंटू एन बराबर में एम 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 गुना कर रहे बबुआ, तो हम लिखेंगे ए टू दी पावर एम प्लस एम प्लस एम प्लस, और ये कहां तक जोड़ाएगा, एन बार तक जोड़ाएगा। क्योंकि तीन बार जोड़ाया था तो यहां पर तीन से गुना हो गया था, यहां पर कितना बार जोड़ा रहा है, एन बार तक जोड़ा रहा है। इसका मतलब ए टू दी पावर एम इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर एम एन। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, बिल्कुल आसान सा प्रूफ हो गया, तो समस्या है ही नहीं। हाँ अगर कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन करो, कोशिश करो, रिवीजन करो, आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। चलो जी आगे बढ़े। तो यहां पर हमारे पास चौथा नियम है, घातांक का चौथा नियम देखते हैं कि चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है। और देखो ये सारे के सारे नियम ऐसे है ना, हम अभी अगर चैप्टर पे चलेंगे तो सारे के सारे नियम प्रयोग में आने वाले, घबराओ मत। तुमको पूरा ट्रेंड करने से पहले ना चैप्टर में नहीं ले जाने वाले हैं, अभी ये जस्ट हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा, कॉन्सेप्ट खत्म होगा, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेने, इतने क्वेश्चंस कर लेने कि जब एनसीईआरटी में जाओ, जब एग्जाम में जाओ, तो वहां पर तुमको लगे कि चलो हंसते हंसते खेलते ये सारे के सारे क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इस ऐसा बन के जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चौथा रूल हमारा क्या है। चौथा रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास चलो ए और बी कोई अशून्य वास्तविक संख्या है और इस पर हमारे पास कोई एन है ना, ए बी क्या होगा जरा बताना, ए और बी दोनों ही अशून्य वास्तविक संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो एन है ये धनात्मक पूर्णांक है, क्या है ये, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास दिया हुआ है ए बी पर पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन। ठीक है, उदाहरण देखिए, चलो आ जाओ एग्जाम्पल में देखो जी, जैसे दो गुने तीन है और इस पर पावर हम लगा रहे हैं बाबू एन, तीन चार लगा दे कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब दो पर पावर चार और तीन पर पावर चार, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुमको। चलो आगे दूसरा उदाहरण देखे, सपोज दो बट्टे तीन है गुने चार बट्टे पांच है, इस पर पावर लगा रहे हैं हम तीन, इसका मतलब दो बट्टे तीन पर भी पावर तीन आएगा और चार बट्टे पांच पर भी पावर कितना आएगा, तीन आएगा। क्लियर है बात, बाकी इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बातें तुमको समझ में आई, अब ये बातें अगर तुमको समझ में आए तो अब थोड़ा सा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका, देखो यहां से प्रूफ, तो हमको यहां पर दिया है ना ए बी टू दी पावर एन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा बताओ, इसको लिखेंगे देखो पावर एन है, इसका मतलब इसको गुना करना पड़ेगा ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, और कहां तक गुना करना पड़ेगा, एन बार तक गुना करना पड़ेगा, जितना जो ये एन का वैल्यू होगा उतना बार तक हमको गुना करते जाना पड़ेगा। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, ए बी टू दी पावर एन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए इंटू ए, ये होगा एन बार इंटू बी इंटू बी इंटू बी,
ये एन बार, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, ए बी टू दी पावर एन, देखो ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार है तो मतलब ए टू दी पावर एन, और बी इंटू बी एन बार है मतलब बी टू दी पावर हमारा एन यहाँ पर हो जाने वाला है। क्लियर है बात, यहाँ से ये बातें क्लियर है, आगे बढ़े आ जाओ जी। तो लास्ट रूल बचता है हमारे पास, अगर हमारे पास ए बट्टे बी है और इस पर पावर एन है, इसको समझो ए बट्टे बी है और इस पर पावर एन है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन और ये होगा बी टू दी पावर एन। इसका प्रूफ देखते हैं, जिन हम उदाहरण हम इधर देख रहे हैं, छोटा सा प्रूफ होगा। तो यहां पर देखेंगे ए बट्टे बी और इस पर पावर एन है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब होगा ए बट्टे बी गुने ए बट्टे बी गुने ए बट्टे बी, और ये कहां तक जाएगा, ये एन बार तक जाएगा। देखो इसका मतलब ये भी है कि ए बट्टे बी और पावर एन है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको ए गुने ए कितना बार, एन बार तक, और यहां से बी गुने बी कितना बार तक, एन बार तक। चलो जी इधर आना ही पड़ा अपने को। चलो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर ए बट्टे बी टू दी पावर एन। अब देखो यहां से a इंटू ए एन बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा a टू दी पावर n, फिर b इंटू बी एन बार आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा b टू दी पावर n। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, सपोज हमारे पास दो बट्टा तीन है और इस पर पावर हम लिख रहे हैं दो, इसका मतलब होगा दो पर पावर भी दो जाएगा और तीन पर पावर भी दो जाएगा, तो ये होगा दो गुने दो और ये होगा तीन गुने तीन, चार बट्टे नौ, ठीक है। और भी उदाहरण देखिए आ जाओ, सपोज हमारे पास तीन बट्टे पांच है, इस पर पावर तीन है, इसका मतलब तीन पर पावर भी तीन जाएगा और पांच पर पावर भी तीन जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास तीन गुने तीन गुने तीन और ये हो गया हमारे पास पांच गुने पांच गुने पांच, ये हो गया सत्ताईस और ये एक सौ पच्चीस, ठीक है। तो यहां पर घातांक के सारे नियम यहां पर खत्म होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूट का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि प्रश्न हमारा उस पर भी बहुत ज्यादा आता है। कुछ जानकारी हमको देखना है रूट के बारे में, रूट क्या होता है और उसको हम लोग कैसे घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर सपोज हमारे पास एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जहां पर ये जो है ना एन है हमारा, ठीक है, और यहां पर एक नंबर है ए, तो इसको जो हम लोग घात के फॉर्म में लिखते हैं कैसा लिखते हैं, ए टू दी पावर वन बट्टे एन, क्या लिखते हैं ए टू दी पावर वन बट्टे एन, मतलब ये जो यहां पर जो भी वैल्यू होगा उसको हमको क्या करना है, हर बनाना है, और यहां पर जो भी वैल्यू, यहां पर सपोज एम है, ठीक है, यहां पर सपोज हमारे पास एम है, तो इसका मतलब एम कहां आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास दो यहां पर है और तीन है, यहां पर हमारे पास पांच है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो, हमने कहा ये पांच ऊपर जाएगा और ये तीन हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और भी उदाहरण देखिए, सपोज यहां पर हमारे पास पांच आ रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है तीन वट्टा दो, इसका मतलब क्या, तीन वट्टा दो और यहां पर पावर ले रहे हैं हम सात, ठीक है, तो तीन वट्टा दो तो रहेगा, ये सात जो है ना वो यहां पर है तो सात तो रहने ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सात तो रहेगा ही, ये वाला जो पांच है ये हमारा हर बन जाएगा। तो तुमको यहां से क्या समझ में आ जाता है, तुमको यहां पर nth रूट का मतलब समझ में आ जाता है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसका पावर क्या होगा। अच्छा एक बात और समझो यहां से कि अगर सिर्फ लिखा हो रूट ए तो इसका मतलब क्या है, यहां पर तो कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब होता है ए टू दी पावर वन बट्टे टू, मतलब कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू यहां पर कितना होगा, दो होगा। अगर लिखा है सिर्फ और सिर्फ यहां पर रूट, यहां पर देखो अगर लिखा है रूट फाइव तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा फाइव टू दी पावर वन बट्टे टू। अगर हमारे पास लिखा है रूट फाइव और टू दी पावर थ्री तो इसका मतलब क्या होगा, फाइव टू दी पावर थ्री तो रहेगा ही और इसके हर में क्या आ जाएगा, यहां पर कुछ नहीं, मतलब यहां पर दो आएगा, मतलब पांच पर पावर तीन बट्टा दो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये रूट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर हमारा क्या होता है,
खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो रूल है, ये तो घात हो गया ना रूट वाले संख्याओं का। अब सारे के सारे जो नियम है, जो पीछे हमने पढ़ा है, वही नियम सारे के सारे संख्याओं पर है ना लागू होता है।